वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल को पढ़ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सक्शन कैसे करना है। और ये आज की जो ये वीडियो है, ये हमारे चैनल पासी चैम्प के एक मेंबर ने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए सक्शन कैसे करते हैं, जिनका नाम मनोरंजन है। तो मनोरंजन जी, लीजिए आपकी ये वीडियो हाजिर है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें सक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि सक्शन को कैसे करते हैं और कैसे सक्शनिंग के टाइम कौन कौन सी जो सावधानियां हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के सक्शन करना पड़ता है गाइज़। तो पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा और सक्शनिंग के टाइम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सक्शन के टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी जो सावधानियाँ वो बरतनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको सक्शन के टाइम, आपको सक्शन कैथेटर का यूज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका यूज़ आपको अपने दिमाग में पहले ही बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरह का जो सक्शन कैथेटर है वो यूज़ करना है। दूसरी बात ये, सक्शन के टाइम बिल्कुल आपने स्टेरलाइजेशन जो प्रोसीजर है उसको बनाए रखना है, क्योंकि ये एक एक सोर्स है पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन जाने का। ट्रिकोस्टमी डली होती है पेशेंट को, या पेशेंट को एंडोट्रेकिया ट्यूब डली होती है। पेशेंट की जो हालत है वो गाइस रियली सिक की होती है, और ज़्यादातर पेशेंट आपको कोमा में मिलेंगे। तो ये जो सक्शनिंग है, ये अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप स्टेरलाइज तरीके से जो प्रोसीजर है उससे नहीं फॉलो करेंगे तो सक्शन से इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं आपको सक्शन के बारे में शुरू से ही प्रोसीजर बताता हूँ कि आपको सक्शनिंग के टाइम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको NS 0.9%, 500 या 100 ml की जो बोतल होती है वो आपको चाहिए होगी, जो ड्रिप में यूज़ करते हैं नॉर्मल स्लाइन, 100 ml या 500 ml का। और सक्शन कैथेटर चाहिए होगा, एक सर्जिकल ग्लव्स चाहिए होगा, साथ में असिस्ट कराने के लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत होगी जो जो आपको असिस्ट कराएगा, जो आपको सामान वगैरह पकड़ाएगा। तो आपको दूसरे स्टाफ की ज़रूरत होगी, नर्सिंग स्टाफ हो या नर्स हो, या आप घर में प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको एक बंदे की ज़रूरत होगी जो आपको सामान पकड़ा सके। साथ ही आपको एक गोज पीस की ज़रूरत पड़ेगी सक्शनिंग के टाइम में, और जो आपको असिस्ट करा रहा है उसके लिए आपको भी एक जो सर्जिकल ग्लव्स, स्टेरलाइज्ड ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। साथ में आपको एक सक्शन मशीन की ज़रूरत होगी, अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सक्शन मशीन अवेलेबल होती ही है ऑफ कोर्स। बस इन इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि सक्शनिंग कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। तो प्रोसीजर ये है कि गाइस, आपने जो आप असिस्ट करा रहा है उसको आपने दूसरी साइड, अपने दूसरी साइड में रखना है, और बीच में पेशेंट को रखना है, और पहले आपने सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं। तो जो ट्रकियोस्टमी का सक्शन करेगा उसने स्टेरलाइज ग्लव्स पहनने हैं, और जो दूसरा है वो वेंटिलेटर हटाएगा, या जो ट्रकियोस्टमी का फिल्टर होता है उसको हटाना है। और आपने जो सक्शन करना है सक्शन कैथेटर से, वो सक्शन कैथेटर जो है 7 से 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो डीप अंदर जाएगा तो हो सकता है कि जो वो ब्रोंकस को इंजर्ड कर दे और अंदर की इंजरी हो जाए। तो सक्शनिंग के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप इंटरनल पार्ट को इंजर्ड ना कर दें और इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए, वरना पेशेंट की जो है हालत वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और गाइज, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये एक आम प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी सक्शनिंग के टाइम। आपने जब सक्शन करना है तो उसको रोटेटिंग मोशन में करना है, जैसा मैं आपको लाइव डेमो में करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सक्शनिंग के टाइम आपने 7 से 12 सेंटीमीटर तक सक्शन कैथेटर को अंदर डालना है, अगर ट्रकियोस्टमी का कर रहे हैं सक्शन, और 18 से 22 सेंटीमीटर तक आप इंडोट्रैकिया ट्यूब का सक्शन कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिफ्लेक्स है पेशेंट का कब आ रहा है। पेशेंट का मैं आपको रिफ्लेक्स भी आपको दिखाऊंगा कि सक्शनिंग के टाइम कैसे आता है और आप कहाँ तक उसको सक्शन जो है कर सकते हैं। सक्शन कैथेटर अगर आप थंब कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो आपको थंब जो है सक्शन कैथेटर जब अंदर जाता है
ट्यूब के, एंडोट्रेकिया ट्यूब हो या फिर एटी ट्यूब हो, जो भी है, तो उसमें वैक्यूम प्रेशर तब नहीं बनाना होता जब अंदर डाल रहे हैं। बाहर निकालते टाइम जो है आपने वैक्यूम प्रेशर बनाना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव डेमो में, तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। और गाइज, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। और जो सक्शनिंग का जो पोजीशन होती है, वो आपने सेमी फोलर पोजीशन या फोलर पोजीशन आप रख सकते हैं अगर पेशेंट बिल्कुल ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो है पेशेंट की पोजीशन है वो सुपाइन हो, बिल्कुल फ्लैट लेटा हो पेशेंट, थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। और अगर आप फ्लैट रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा पेशेंट को सक्शन करने के लिए। कई बार सक्शनिंग के टाइम एम्बो बैग का भी यूज़ करते हैं, और आप सक्शनिंग के टाइम NS3% सोडा बाइकार्बोनेट और म्यूसिनेक इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं अगर अंदर क्लोट वगैरह आ रहा है या पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और अगर म्यूकस थिक वगैरह है, तो यही सारी बातें मैं आपको लाइव डेमो में करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइज, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा अपनी लाइव डेमो पर आते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। पहले हम लोग सक्शन कैथेटर को देख लेते हैं। ये होता है टी कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर, और ये है वाई कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर। और गाइस, ये जो थंब कंट्रोल्ड हैं दोनों के दोनों सक्शन कैथेटर, टी टाइप और वाई टाइप, और इनका ही यूज़ हम ज़्यादा करते हैं आजकल। ये है प्लेन सक्शन कैथेटर, और आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन सक्शन कैथेटर को आप कैसे जो है थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये FG फिगर गोज इसका, गेज इसका है 14, और ये तीनों के तीनों जो हैं सक्शन कैथेटर ये 14 नंबर के हैं। और कॉस्टली वाइज देखिए जाए तो जो प्लेन सक्शन कैथेटर हैं वो थोड़े चीप मिलते हैं इन दोनों के मुकाबले। जो वाई टाइप है वो मिडल रेंज में आता है, और सबसे ज़्यादा महंगा टी टाइप सक्शन कैथेटर है थंब कंट्रोल्ड। ओके गाइस, तो ये थे हमारे सक्शन कैथेटर्स। तो सक्शन के लिए हमें चाहिए 100 ml NS या 500 ml NS 0.9%, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मैं इस 500 ml का यूज़ करूँगा। ये है 1 cc और ये है 5 cc। डिस्पोजल सिरिंज, ये है सोडा बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन है गाइज ये, और ये है एग्जामिनेशन ग्लव्स 7 नंबर का। ये है गोज़, अगर म्यूकस बाहर आता है तो उसको साफ़ करने के लिए, और ये ऑफ कोर्स हमारे जो सक्शन कैथेटर्स हैं तीनों के तीनों, ये टी टाइप और ये प्लेन सक्शन कैथेटर। तो गाइस, सक्शन करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपने पहले ही इन सारी चीज़ों का जो है अरेंजमेंट करके रखना है। और जो हॉस्पिटल में सक्शन मशीन जो होती है वो इस तरह का कुछ पंप लगा होता है हॉस्पिटल में, और अभी ये ऑफ पड़ी है जैसा आप देख सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए इस बटन को नीचे पुश करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये प्रेशर बन जाएगा। यहाँ से आप जो है वैक्यूम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और सक्शन मशीन की दूसरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो जो इसका प्रेशर है वो गाइस 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, 80 to 120 mmHg प्रेशर होना चाहिए। और ये देखिए, कुछ इस तरह का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है प्लेन सक्शन कैथेटर को लगाने के लिए। इसके आगे जो है प्लेन सक्शन कैथेटर लग जाता है गाइस। और अगर आपने उसका यूज़ नहीं करना तो एक जुगाड़ आप कह सकते हैं, ये एक तरह का जुगाड़ है, देखिए नीडल की कैप है। ओके, तो इसे काट लेना है आपने, और जो सक्शन की पाइप होती है उसके आगे आपने ऐसे लगाना है। और इसको लगाने के बाद आप जो है प्लेन सक्शन कैथेटर को यूज़ कर सकते हैं, आपको कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा गाइस, जो मैं इस वीडियो में करूँगा, मैंने पहले ही ये
थम कंट्रोल जो है प्लास्टिक का सक्शन करने के लिए परचेज़ किया था, 180 रुपीज़ का आया था। और मैं इसके आगे जो है प्लेन सक्शन कैथेटर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो प्लेन सक्शन कैथेटर है वो थोड़े चीप मिल जाते हैं सस्ते। ओके, तो जो वाई टाइप और टी टाइप थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप एक बार इसे परचेज़ करके प्लेन सक्शन कैथेटर को इसके साथ इसके आगे जो है लगा सकते हैं। अगर आपका पेशेंट ट्रिकियोस्टमी का है या आपको बारी बारी सक्शन करना पड़ता है, तो ये 3 से 6 महीने तक चल जाता है। और आप जो है प्लेन सक्शन कैथेटर को एज ए थंब सक्शन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर बन चुका है। और अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, आपने थंब कंट्रोल ही यूज़ करना है, तो गाइस मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, आपने सिर्फ पाइप के जो आगे का हिस्सा है उसमें ये जो हमारा थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर है उसको आपने कुछ ऐसे लगा देना है। ये देखिए, ये वाई वाई टाइप वाई कनेक्टर टाइप थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर है हमारा। और इसी प्रकार हम दूसरा जो है हमारा सक्शन कैथेटर टी टाइप टी कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन सक्शन कैथेटर भी बना सकते हैं ऐसे बंद करके, और जब आप सक्शन करेंगे तो पिंच करना होगा। ओके, ओके गाइस, तो मैं तो मेरे जिस हिसाब से मैं सक्शन करूँगा उस हिसाब से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। तो सारा अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, सक्शन करने के लिए मैंने सारा सामान खोल दिया है। ओके, तो टाइम गाइस, जो सक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। आपको 15 से 30 सेकंड के बीच में सक्शन को करना है, और अगर आप इतने टाइम में नहीं करते तो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे सक्शन में तो पेशेंट की जो है सेचुरेशन वो डिप होगी, सेचुरेशन फॉल होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, और पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा। हो सकता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े या उसे वेंटिलेटर पे भी लेना पड़े। प्रेशर कितना होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि जो मिनिमम प्रेशर है कम से कम 80 का होना चाहिए, और वो 80 to 130 तक हो सकता है, और मैक्सिमम अगर म्यूकस ज़्यादा थिक है तो वो 200 mg/mmHg तक हो सकता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर उससे ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ओके, तो सक्शन करना आपने उस टाइम बंद करना है गाइस जब ब्लड आने लग जाए, या आपको लग रहा है कि म्यूकस नहीं आ रहा, या 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम हो गया है, उस टाइम आपने सक्शन नहीं करना। आपने पहने ग्लव्स अब, और सक्शन मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीजर रोटेटिंग मोशन में कैसे करना है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए पहले रिफ्लेक्स देख लें, ये देखिए रिफ्लेक्स इस तरह का आया, और रोटेटिंग मोशन में आपने ऐसे सक्शन करना है। एक बार फिर ये आया रिफ्लेक्स और रोटेटिंग मोशन। अब आप अच्छे से देख लें जो म्यूकस है वो किस तरह आएगा। म्यूकस रोटेटिंग मोशन में करना है आपने, और मैं आपको जब आपने सक्शन कैथेटर को ट्रकियोस्टमी ट्यूब के अंदर डालना है या टी ट्यूब के अंदर डालना है तो वैक्यूम प्रेशर नहीं बनाना। जैसे आप देख सकते हैं वैक्यूम प्रेशर बनाया मैंने, अब बाहर निकालते टाइम वैक्यूम प्रेशर बनाना है आपने। ये देखिए कुछ ऐसे। अब मैं आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले इसे अच्छे से देख लें, अच्छे से सीखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें गाइस। देखिए कुछ ऐसे आपने करना है। और सक्शन करने के बाद जो 500 ml NS है उससे आपने सक्शन कैथेटर को वॉश करना है, और वॉश कैसे करना है देखिए, इसमें मैंने होल बनाया हुआ है, और जो सक्शन कैथेटर है हमारा वो इसके अंदर जाएगा, और फिर आपने वैक्यूम प्रेशर बनाना है और ये वॉश हो जाएगा। जो अंदर का म्यूकस है वो सारा का सारा जो है कंटेनर में चला जाएगा, जो सक्शन मशीन के साथ अवेलेबल होता है, या जो कंटेनर मैंने आपको दिखाया था उसमें। तो जो हमारा प्रोसीजर है आप देख लें आप अच्छे से,
बिल्कुल स्टेरलाइज तरीके से आपने इसे फिल्टर को हटाना है ट्रिकियोस्टमी के, और उसके बाद वैक्यूम प्रेशर आपने अंदर डालते टाइम नहीं बनाना, पहले रिलीज़ करें और फिर बाहर निकालते टाइम वैक्यूम प्रेशर बनाएं। देखिए कुछ ऐसे जिसके साथ देख सकते हैं आ रहा है और रिफ्लेक्स भी आ रहा है। ओके गाइस, 8 से 12 सेंटीमीटर आप डाल सकते हैं अंदर ट्रकियोस्मी में सक्शन कैथेटर को, और वाश करने के लिए 500 ml का यूज़ कर रहा हूँ मैं। दोबारा देख लें आप, देखिए रिफ्लेक्स भी आ रहा है, आप अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं आराम से रिफ्लेक्स आ रहा है। ओके ओके गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोसीजर। दूसरा, जिसमें हम एम्बो बैग का यूज़ करेंगे और साथ में 3% नॉर्मल सलाइन का यूज़ करेंगे जब पेशेंट को थिक म्यूकस आ रहा है, मतलब गाढ़ा अगर म्यूकस आ रहा है, बारी बारी आ रहा है, तो आप NS का यूज़ कर सकते हैं। यंत्र क्लोट है, NS मैंने डाला। अब मैं एम्बो करूँगा 3 बार, ये देखिए कुछ ऐसे। फिर आपने हटाना है और फिर सेम प्रोसीजर पहले वाला जैसे आपको दिखाया गया था वैसा आपने करना है। ये देखिए कुछ ऐसा रिफ्लेक्स आने के बाद रोटेटिंग मोशन और पीछे बाहर निकालना है अपने वैक्यूम प्रेशर बना के। म्यूकस आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा थिन हो गया है, और फिर NS से आपने करना है वॉश, रोटेटिंग मोशन से बाहर वैक्यूम प्रेशर बनाना है। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।